शहजादी कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए। बताओ मुझे शहजादी कहाँ है? अपने घर शादी कर दी मैंने उसकी। क्या? क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लड़की चाहूंगी मैं तुम्हारा। मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। ठीक है, लाओ उसे वापस। चुप, बहुत बोल लिया, बकवास बंद और खाना ला के दो, जाओ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तलाक चाहिए मुझे। अब मैं गलत नहीं होने दूंगा अपने बच्चों के साथ। वापस लेकर आऊंगा। मैं अपनी शहजादी को वापस लेकर आऊंगा। कुछ भी करूंगा लेकिन उसको इस तरह रहने नहीं दूंगा मैं। ऐसा कहते थे कि ये लोग मेरे बच्चे के दुश्मन हैं और मैं मारता था उसको। इस वो कहते थे कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, उनका ख्याल रखो, लेकिन मुझे अपनी अम्मा और भाईजान के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। मैं अपने बच्चों का दुश्मन, अपने बच्चों का मुजरिम हूं। थोड़े से पैसे मिलते थे, उसका मैं नशा करता था, फिर मुझे लगता था सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। मेरी गलती का नुकसान मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। ऐसा मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा भाव करता हूं, बहुत बुरा भाव। तुम बुरे थे जुल्फी, लेकिन तुम अब बुरे नहीं हो। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो गलती पर नहीं रहता। बस अब तुम मुझसे एक वादा करो, अब तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जिसके बाद पछताना पड़े। वादा करता हूं तुमसे, अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। ऐसे तो मुझे माफ कर सकती है? दिल ना मिला था पहले हमसे, दिल ना मिला था पहले हमसे, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से। तन्हाइयां जब सीने में उतरे रोवे अखियां सांसें उखड़े, रोवे अखियां सांसें उखड़े। दिल ना मिला था पहले हम।
क्यों लेकर आ गई हो? मना किया था ना मैंने, नहीं खानी है मुझे दवा। अम्मा ना खाने की कोई वजह होती है? क्यों उस तरह बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? अब्बा ने जो किया उसमें मेरा क्या कसूर है? तन आ गई हूँ मैं, मेरी भी कोई जिंदगी है, कब तक मैं आप दोनों के बीच में यूं बिस्ती रहूंगी? हाँ तो तुम भी चली जाओ, कब रोका है मैंने तुम्हें? जाओ, तुम्हारे बाप की तरह जो तुम्हारा दिल चाहता है वो कर लो, जाओ। छोड़ ही तो नहीं सकती अम्मा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। और पता है, बेटियां माँ को अकेला नहीं छोड़ती, इस तरह वो खुद अकेली हो जाती है और मुझे अकेला रहने से बहुत डर लगता है। अम्मा किससे बदला ले रही है, अब्बा से, मुझसे या अपने आप से? और अगर शहजादी पे गुस्सा है तो क्यों है? अम्मा उसका भी कोई कसूर नहीं है, मुझे ज़रूरत है आपकी। नाराज रहती है, बीमार है, लड़ती है, पर जैसी भी है आप मेरा सहारा है। शहजादी है ना, मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन इतनी सी उम्र में आपकी सौतर और मेरी माँ है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी माँ नहीं है, टूटा फूटा कमज़ोर सा जैसा भी आप मेरा सहारा हो। मेरे बारे में तो सोचो, बातें करने लगी है। मैंने सोचा अब तुम स्कूल जाया करोगे, जाओगे ना? गुड बॉय। हम आज ही आपके स्कूल जाएंगे, आपकी टीचर से मिलेंगे, क्या ख्याल है? मिस कुसुम से? सारी टीचर्स से मिलेंगे और दोबारा आपके एडमिशन की बात भी करेंगे। मिस कुसुम बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल आपकी तरह की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मैं आपकी टीचर से भी मिलूंगी। क्या हुआ बेटा? वो मासो शहजादी कब स्कूल जाएगी? बहुत जल्द, शहजादी भी आपके साथ स्कूल जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मासो सब ठीक कर देंगे। मासो, आपको पता है जब शहजादी मेरे साथ स्कूल जाएगी ना, तो कोई भी मुझसे लड़ेगा तो शहजादी उनको मजा चखा देगी, वो मेरे लिए सबसे लड़ती है। कोई तुम्हें कुछ क्यों कहेगा, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। मासो, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पापा नशाई हैं, वो हमारे स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते। अच्छा, मैं बात करूंगी स्कूल वालों से, फिर भी कोई कुछ कहे ना तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है मासो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम्हारे शौहर ने ये नहीं बताया कि मुझे आंटी नहीं कहना? नहीं। और क्या बताया? उन्होंने कहा है कि आपका ख्याल रखना है, आपको टाइम पर दवा देनी है और आप जो बोलेंगी वो करना है। और क्या कहा? और कहा सवेरा को। सवेरा को क्या कहा है? सवेरा को, सवेरा को वैसे ही रखना है जैसे मेरी माँ मुझे रखती थी। अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? सफाई करनी। मुझे नहीं करानी सफाई, जाओ तुम। जी। अच्छा रुको, इधर आओ, मेरे पैर दबा दो। रहने दो, जाओ तुम, जाओ जाओ। जी।
आज कहाँ से लाया है तू ये माल यार, बहुत मजे का माल है, आज तो मजा ही आ गया। खुदा की कसम बड़ा मजा आ गया। ऐसा माल तू जिंदगी में कभी नहीं लाया यार, बहुत जबरदस्त माल है, एक और बना। सच में आज तो नशे का मजा आ गया। ओ जुल्फी, किधर जा रहा है यार, इधर आना। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। अरे यार काहे की जल्दी, किधर जा रहा है? देख भोला आज बहुत स्पेशल माल लाया है, सच दो दम लगाना फिर चले जाना। आजा यार, तुम लोग लगाओ दो दम, मैं फिर लगाऊंगा ना। आजा आजा ना यार, बराबर। अरे जाने दे इसको, देर से जाएगा तो इसकी बीवी इसको मारेगी यार। चल आजा आजा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई। फिर क्या मसला है, जब से तेरी शादी हुई है तू तो यारों को जैसे भूल ही गया है। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो यार। तो फिर क्या बात है, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। आजा, तेरे बगैर वैसे भी मजा नहीं आता। आ दो दम लगाना, चले जाना। आजा आजा। देख अब इनकार नहीं करना, बड़े दिनों बाद हाथ लगाए। यार अभी रहने दे, फिर कभी सही। देख अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चले शाबाश। चल बोले एक और बना। शमसा है घर पे? नहीं वो घर पे नहीं है। आई मैं पहले भी आई थी, घर पे ताला देखा, फिर मैं समझी शायद वो गुलाम साहब के घर गई होगी पोती से मिलने। आई तुम लोग कब आए? आपको पता है शहजादी का? मेरा मतलब है कि हम यहाँ थे नहीं तो मुझे उसके घर का नहीं पता, आप मुझे बता सकते ना कि वो कहाँ है? तो तुम्हें शमसा ने कुछ नहीं बताया? आई लो, बड़ी अजीब सी बात है ये। नहीं वो दरअसल, अरे आप अंदर आए ना, आंटी भी बस आने वाली होंगी। आए आए भाई, बहू चाय पिला दो, सुबह से एक चाय का कप पिया हुआ है, सर फट रहा है कसम से। जी मैं पिलाती हूँ, आप मुझे शहजादी के पास ले जा सकती हैं ना? नहीं मैं तो नहीं लेके जा सकती, हाँ तुम्हें बता सकती हूँ, तुम खुद ही चली जाना। भाई वो मनहूस खुदसिया मेरी दुश्मन हुई हुई, पता नहीं कब मरेगी। कौन खुदसिया? भाई वही गुलाम साहब की बीवी। तुम तो बहू ऐसा करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जाकर समझा देना, बच्ची है ना, सोकन को सोकन की जगह पे रखेगी ना तो तभी बस पाएगी, वरना खुदसिया के होते भी क्या मजाल कि उस घर में कोई चुड़िया भी पर मान ले। अच्छा हुआ जुल्फी तुम आ गए, मैं तुम्हारे ही वेट कर रही थी। पता है मुझे शहजादी का पता चल गया, चलो मेरे साथ, हम अभी उसे वापस लेकर आएंगे। जल्दी करो जुल्फी, वो हमारा इंतजार कर रही होगी, ये सोच रही होगी कि हम कब उसे लेने आएंगे। बच्चों को बिल्कीस खाला के घर छोड़ देंगे, मैंने बता दिया उन्हें। ठीक है मैं बैग लेकर आती हूँ। चलो उठो, हमें शहजादी को लेने जाना है जुल्फी। चलते हैं।
रुकना नहीं है, हमें अभी जाना है, उसे लेकर आना है। बोला ना कि शाम को चलते हैं। मैंने कहा उठो, कौन जाएगा मेरे साथ? उठो अगली जाओ और लेके आ जाओ। नशा करके आए हो ना? जानू, तैमूर को लेकर आओ। बिल्कीस खाला के घर आना जब तक मैं ना वापस आ जाऊं। तलाक लेने? नहीं। तो फिर क्या खुश हो? नहीं, मुझे अपने घर जाना है। जितनी मासूम लगती है उतनी हो नहीं। तलाक भी नहीं लेनी, अपने घर भी जाना है, क्या मतलब है इस बात का? चाहती क्या हो? तलाक अच्छी चीज नहीं होती। मेरे पापा जब भी मामा को कहते थे कि वो उन्हें तलाक दे देंगे तो वो रोती थी, पैर पड़ती थी, उनसे माफिया मांगती थी, कहती थी मुझे मार मार कर मार दो लेकिन तलाक नहीं देना। मुझे नहीं पता तलाक लेने से क्या होता है आंटी, लेकिन अगर ये अच्छी चीज होती तो मेरी मामा कभी भी बाबा से मार नहीं खाती। हाँ ठीक कह रही हो तुम, तलाक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन तुम जितनी उम्र की लड़की की शादी से बुरी नहीं। तुम्हें गुलाम से तलाक लेनी होगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें रिहाई दिलाऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेजूंगी। यकीन करो मेरा, मैं एक सौतन बनकर नहीं, एक मां बनकर तुमसे ये वादा करती। मैं ये वादा करती हूं बेटा कि मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन जरूर वापस दिलाऊंगी, जरूर। गुलाम को तुम्हें छोड़ना ही होगा, उसे तुम्हें तलाक देनी होगी। शहजादी, मैं तो तुझे बच्ची समझ रहा था, तो पूरी औरत निकली। तलाक चाहिए तुझे? चला मैं देता हूं तलाक। खुला, छोड़ उसे। चुप, आवाज नहीं सुनना चाहता तेरी मैं। खुला बच्ची है वो। अच्छा नहीं करिए तुम अपने साथ ऐसा, मैं तुम्हें किसी सूरत तकलीफ में नहीं देख सकता। और ना ही मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ होने दूंगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल बैठी, और अगर वो अपने बारे में नहीं सोचती तो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। आंटी, मैं अब भी उसका बहुत ख्याल कर सकता हूँ, जितना पहले करता था उससे कहीं ज़्यादा। आप मेरा यकीन कीजिए,
चलो उठो, जा रहे कहां से? चलो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामेबाजी कर रही है। जब उसे भेजना था तब इसकी तबीयत ठीक हो गई थी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी इजाजत के बगैर इससे क्यों उसे भेजा है। अल्लाह के कहर से डरो। अरे घर में एक जवान बेटी बैठी है, कुछ उसका ही ख्याल कर लेते। जब तुम मरोगे ना तो तुम्हें कोई पानी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे इंशाल्लाह, कीड़े। शहजादी से मिलना है मुझे। अंदर आ जाओ। शहजादी, 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 शहजादी। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मासो आपने इतनी देर क्यों ना करी? मैं आपका वेट कर रही थी। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, आप अभी इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से ले जाओ। अगर गुलाम साहब आ गए तो नहीं ले जा सकोगे। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे बात करनी थी। सब खैरियत तो है ना? जी जी, अंदर जा सकती हूँ। आओ। मैं तुझे बता रही हूँ, तो फिर पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब उस कपक ने हमारे घर का मुंह देख लिया। इस कदर नाक में दम किया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और वो जुल्फी, वो तो बस उसके पीछे 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 पीछे। हाय, तो अम्मा वो कोई आज थोड़ी पीछे लगा। मैंने तो कब का कह दिया था कि उस पर नजर रखे। अब इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? खुद ही थोड़ी नहीं आ गए। वो बंदा पूछे जुल्फी की मत मारी गई थी, दूसरी नहीं मिलनी थी उसको कोई। तावीज कराए हैं उसने, तभी तो जुल्फी उसकी हर बात मानता है। अम्मा तावीज का तोड़ भी तो होता है ना, आप तो यूं ही चली आई। अब उससे तो छूट मिल जाएगी, वो जो चाहे करेगी, उसे को पूछने वाला ही नहीं होगा। तो मतलब क्या है तुम्हारा बहू? अभी मैं आकर बैठी हूँ और तुम्हें चुभने लग गई। सुगो, जा जाके खाने वाने का देखो, अम्मा ने रास्ते में भी कुछ नहीं खाया है। चलो। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है, मैंने तो बात ही की थी। अम्मा तो टेंशन ना ले, ये मुंह की जैसी भी हो दिल की अच्छी है।
इसका ये मतलब थोड़ी था। देख तो फैल, इसका जो भी मतलब था, अब रहूंगी मैं यहीं पर और तू अपनी बीवी को अच्छी तरह से समझा दे। माएं अपने बेटों को इसलिए पाल पोस के जवान नहीं करती कि उनको बहुओं के हवाले कर दें। एक ने घर से निकाल दी और दूसरी अभी आके बैठी नहीं हूँ। अरे अम्मा, अम्मा तुम फिकर क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा इसे। आओ चलो, तुम कमरे में चलो, आराम कर लो, थोड़ा सा थक गई होगी, आ जाओ। जरा जुल्फी को फोन कर देना, परेशान ना हो बेचारा। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। आओ। उसकी आंखों में कुछ था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। आंटी जो कुछ भी हुआ मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। तो अब क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें, उसे समझाएं कि वो अपने बारे में भी सोच रही। अपने बारे में ही सोच रही है बेटा वो। कुछ लोगों की किस्मत में दूसरों के लिए कुर्बानी देना ही लिखा होता है। सबको खुश रखते ही जीते हैं वो। अगर आयजा ने ये सब कुछ ना किया तो वो जी नहीं पाएगी। मैं नहीं मानता, वो सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल बैठी है। और अगर वो अपने बारे में नहीं सोचती तो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। आंटी मैं अब भी उसका बहुत ख्याल कर सकता हूँ, जितना पहले करता था उससे कहीं ज़्यादा। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे पता है तुमने बहुत साथ दिया आयजा का हमारा, मगर मैं चाहती हूँ तुम ऐसा मत करो। जिससे तुम दोनों को नुकसान पहुंचे वो बात मत करो। अगर तुम दोनों की किस्मत में मिलना होता तो उस रोज वो बात ना होती। माफ कीजिएगा लेकिन मैं इस फलसफे को नहीं मानता। हम हमेशा पुरानी बातों का जवाब बनाकर खुद को धोखे में रखते हैं और आयजा भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है। लेकिन आप उससे बात करें, आप उसे समझा सकती हैं आंटी, प्लीज। बेटा मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारे इकरार की जरूरत है। हाँ का क्या है, माएँ तो अपनी औलाद के लिए अच्छी बातें करती हैं ना, पूरी उम्मीद रहती हैं। तुम उससे कहोगे तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन आ जाएगा। और हाँ, उससे मिलो तो उसे बता देना बेटा मैं फैसलाबाद जा रही हूँ अपने भाई के पास, कभी वापस नहीं आऊँगी। मिलके नहीं जा रही क्योंकि उसे देखूँगी तो जा नहीं सकूँगी, और मैं किसी भी लम्हे अपने आप को कमज़ोर नहीं देखना चाहती। वहाँ जाकर उसे फ़ोन करूँगी मैं और इंशाल्लाह मिलूँगी, कभी ज़रूर मिलूँगी। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे स्टेशन जाना, देर हो रही है। मैं आपके लिए रक्षा लेके आऊँ। मुझे फोन नहीं कर सकते थे वहां से? किसके फोन से कॉल करता? बहुत याद आते थे तुम मुझे। मुझे भी। पापा कहाँ पर हैं? मासू, पापा कहाँ हैं? वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं रोज उनका इंतजार करती थी, रोज मुझे लगता था वो आएंगे और मुझे ले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता था। दादू नहीं आने देती होंगी ना उन्हें? कहाँ गई है वो कुत्सिया? कुत्सिया किसकी इजाजत से गई है? किसने भेजा उसको? मैंने भेजा है, उसकी माँ लेने आई थी उसे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों गई है, जब मैंने मना किया था कि वो इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। शादी की है तुमने उससे, तुम्हारी नौकरानी नहीं है वो। और वैसे भी
इस शादी को तुमने माना है, उसने अभी तक नहीं माना, उसका चला जाना ही बेहतर था। तुमने भेजा ना उसे, अब तुम ही उसे वापस लेकर आओगी। चलो उठो, जाने के वहां से। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामेबाजी कर रही है। जब उसे भेजना था तब इसकी तबीयत ठीक हो गई थी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी इजाजत के बगैर इससे क्यों उसे भेजा। अगर ड्रामा है तो ड्रामा ही सही। मैं एक औरत हूँ, औरत गैरत है मुझ में। गुलजार साहब, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। वजह यह नहीं कि मुझे आपसे नफरत हो गई है, वजह यह है कि मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई है। आज तक मैं ये सोचती रही कि आप मुझे क्यों मारते हैं, मुझे किसी दासी किसी नौकर की तरह से क्यों रखते हैं। छोड़कर जाने की एक वजह यह भी है कि मुझे इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि आप मुझे इसलिए मारते थे कि मैं आपको मारने देती थी। मेरी जात को रायका आपने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वरना आप तो बुजदिल इंसान है कि थप्पड़ मारकर आवाज़ दबाने पर यकीन रखते थे। अब देखती हूँ अपने आप को थप्पड़ मारकर कैसे चुप करवाते हैं। अंदर की आवाज़ें नहीं दबती, जब तक जिंदा रहो शोर मचता ही रहता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको तवील जिंदगी दे। आमीन। खुदा हाफिज़। सामान खत्म हो गया घर में। कौन सा सामान? राशन की बात कर रही हूं। दाल चावल आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ काम हम ढूंढने का करो जुल्फी, 3 बच्चे हैं हमारे। तुम्हारे बच्चे, उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए करता हूं, कुछ करता हूं।
Thank you.